हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ मुन्नार का 3 दिन का आइटनरी शेयर करने वाला हूँ। आइटनरी तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बट साथ ही साथ मुन्नार है किधर, मुन्नार पहुँचना कैसे है, मुन्नार घूमना कैसे है, मुन्नार विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, मुन्नार में होटल कहाँ लेना है और मुन्नार घूमने का आपका कितना खर्चा होगा, वो कम्प्लीट गाइड मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप मुन्नार का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ मुन्नार है किधर। मुन्नार एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो केरल राज्य के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुन्नार फेमस है यहाँ की खूबसूरती के लिए और टी प्लांटेशन के लिए, टी गार्डन के लिए। यहाँ पर सब जगह आपको टी प्लांट ही दिखेंगे। मुन्नार में शूटिंग हुई है चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के एक सॉन्ग की, जो है कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, वो वाला सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ है। तब से जगह और भी फेमस हो गई है। अब बात करते हैं मुन्नार आप कैसे पहुंच सकते हो। तो बाय ट्रेन अगर आपको आना है तो नीरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है अलुआ। अलुआ से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। तो अलुआ आप पहुँच जाइए और अलुआ से आप बस पकड़ के मुन्नार की, आपको बस मिल जाएगी। स्टेशन के बगल में बस स्टॉप है और वहाँ से आप पहुँच जाइए मुन्नार। अलुआ के पहले पड़ता है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर अलुआ नहीं तो वहाँ पर आपकी ट्रेन जरूर रुकेगी, तो वहाँ पर उतरिए और वहाँ से आप जाइए बस स्टॉप KSRTC की और वहाँ से आप बस पकड़ के चले जाइए मुन्नार। एर्नाकुलम से मुन्नार की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो नीरेस्ट एयरपोर्ट है कोचीन का, और कोचीन से इसकी दूरी लगभग 130-35 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से आपको टैक्सी इजीली मिल जाएगी जो आपको मुन्नार छोड़ देगी। अगर आप बाय बस आना चाहते हो, केरला के बहुत सारे शहर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी मुन्नार के लिए। यहाँ की तमिलनाडु है ना, वहाँ की बहुत सारी शहर से जैसे कि मदुराई, वहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी। अगर आपको कर्नाटका जैसे कि बैंगलोर, वहाँ से भी आपको बसेस मिल जाएगी मुन्नार के लिए। तो जो भी आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा लगता रहेगा मुन्नार पहुँचने के लिए, वो आप लीजिए और मुन्नार पहुँच जाइए। अभी बात करते हैं कि मुन्नार में आप कहाँ पर रुकोगे। तो मुन्नार में ना सस्ते होटल भी है, महंगे होटल भी है, इवन हॉस्टल भी है। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको सस्ते होटल भी मिल जाएगा, यानी कि आपको 500, 600, 700 रुपए के आसपास भी होटल मिल जाएगी। मैं जहाँ पर रुका था उस होटल का नाम था रे स्टार हॉलीडेज़, और वहाँ पर मैंने रूम लिया था, रूम अच्छा था और रूम का प्राइस सिर्फ 600 रुपया पर नाइट था। तो काफ़ी सस्ता होटल है। अगर आपको अच्छा रूम चाहिए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको वहाँ पर महंगे, यानी कि आपको डीलक्स सुपर डीलक्स का जो रूम रहता है ना वो भी आपको मिल जाएगा। उसका प्राइस आपको पड़ेगा मे बी 1200 से 1500 रुपया पर नाइट। तो जो भी आपको जैसा भी रूम चाहिए वो सब आपको रूम मिल जाएगा मुन्नार में। मुन्नार पहुंच गए, होटल भी बुक कर लिया। अब बात करते हैं मुन्नार घूमना कैसे है। तो मुन्नार घूमने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है स्कूटी या बाइक आप रेंट कर लो, या तो वहाँ के जो ऑटो रहते हैं लोकल उनको हायर कर लो, या तो आप कार हायर कर लो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रैवलर। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप स्कूटी बुक कर लो। स्कूटी का प्राइस वहाँ पर 500 रुपये रहता है, 500 रुपये के आसपास रहता है, 500 या 600। सीज़न के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, बट 500 के आसपास रहता है। एक या दो लोगों तो स्कूटी बेस्ट है आपके लिए। अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो आप कार हायर कर लो। कार का चार्जेस आपको पड़ेगा पर डे 2 से 2500, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्लेसेस घूमना चाहते हो, बट 2 से 2500 में आपका हो जाएगा अगर आप फैमिली के साथ आते हो। या तो अगर आप ग्रुप में हो तभी भी आप कार बुक कर सकते हो, वो आपके लिए बजट में पड़ेगा। वहाँ पे इवन आपको ऑटो वाले भी मिल जाएंगे, ऑटो वाले भी आपको पूरा साइट सीन करा देंगे मुन्नार की। उनका चार्जेस रहता है 1000, 1200 या 1500, डिपेंड करता है आपके प्लेसेस के ऊपर। तो अभी बात करते हैं मुन्नार के 3 दिन के आइटनरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डे वन का आइटनरी बताता हूँ। तो मुन्नार के जितने भी प्लेसेस हैं ना वो 4 डायरेक्शन में डिवाइडेड है। एक है मट्टूपट्टी डैम के साइड, एक है ठेकड़ी की साइड, एक है कोचीन के साइड और एक है कोयम्बतूर के साइड। तो डे वन को जो भी हम प्लेसेस विजिट करेंगे वो मट्टूपट्टी डैम के साइड की प्लेसेस विजिट करेंगे, और वो मुन्नार की मेन प्लेसेस, यानी कि आप जाओगे ना तो आपको वहाँ की प्लेसेस ही लोग दिखाएंगे। पहले जितने भी प्लेसेस हैं ना वो सब एक एक करके आगे आगे है, तो आपको आगे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। एक एक प्लेसेस देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और प्लेसेस देखते जाइए। तो सबसे पहले आएगा आपको पॉइंट, वो पड़ेगा फोटो पॉइंट। तो फोटो पॉइंट बेसिकली बहुत ही खूबसूरत जगह आपको वहाँ पर दिखेगी, तब बैकग्राउंड अच्छा रहेगा और वहाँ पर आपको बहुत सारे फोटोग्राफर मिल जाएंगे जिनको आप कुछ पैसे दे के अपने अच्छे फोटो खिंचा सकते हो DSLR। उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा बोटैनिकल गार्डन, और यहाँ पर बहुत टाइप के मतलब अलग अलग प्लांट्स होते हैं, फूल होते हैं, वो पूरा ही गार्डन है बेसिकली। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है वगैरह, आप वहाँ पर खाना भी खा सकते हो और आप गार्डन भी देख सकते हो।
टिकट प्राइस के आई थिंक है 50 रुपये। के आगे आप जाओगे तो आपको मिलेगा मट्टू पट्टी डैम। तो ये डैम बहुत ही फेमस है वहाँ पर मुन्नार में, और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो अगर आपको बोटिंग करना है। एक बात शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता, मेरे पास 2 सिम कार्ड था जियो वोडाफोन का, तो आप कैश पूरा कैरी करना है। नेक्स्ट एक पॉइंट है जो कि है एलिफेंट क्रॉसिंग पॉइंट, मतलब कि रास्ते से एलिफेंट क्रॉस होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। तो मैं जब गया था तब मुझे 2 एलिफेंट दिखे थे, रास्ते में नहीं थे बट सामने नीचे साइड थे तो मुझे 2 दिखे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, अगर आपको एलिफेंट दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम विजिट करेंगे इको पॉइंट। तो इको पॉइंट बहुत ही फेमस पॉइंट है मुन्नार का, तो वहाँ पर भी एक लेक है, और वहाँ पर इको पॉइंट इसलिए क्योंकि हाँ अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो आवाज़ हमको रिपीट होती है। अच्छे आप जाइए, वहाँ पर लेक है, सामने पूरे पेड़ है, वहाँ पर चिल्लाइए ज़ोर से, आपको अपनी आवाज़ वापस आएगी इको पॉइंट। उसके आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हम कुंडला लेक। तो जैसे मट्टू पट्टी डैम था उसी तरह ये एक लेक है, और यहाँ पर भी आप बोटिंग कर सकते हो, जो भी एक्टिविटी रहती है वो सब आप कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे आज के हमारे आखिरी पॉइंट पर जो कि है टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन सबसे फेमस पॉइंट है मुन्नार का। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, आप बोल सकते हो कि एक व्यू पॉइंट है। मोस्टली कभी कभी क्लाउडी रहता है मानसून के टाइम, अगर आप गर्मी में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको क्लीन व्यू दिखेगा, अगर आप बारिश में गए अगर आप लक्की हुए तो आपको व्यू दिख जाएगा। Day 1 को हमने मट्टू पट्टी डैम की प्लेसेज विजिट की, Day 2 को हम लोग कोचिन साइड की 2 प्लेसेज विजिट करेंगे और थेकड़ी साइड की 3-4 प्लेसेज विजिट करेंगे। तो सबसे पहले आप जाइए थेकड़ी डायरेक्शन में, वहाँ पे आपको सबसे पहले सिग्नल पॉइंट करके मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना तो आपको पूरे क्लाउड देखने को मिलेंगे। मैं जब गया था तो बहुत ही सुबह उठ गया था 6:30 बजे के आसपास, तो पूरा क्लाउड दिखा था और बहुत ही अच्छा मैंने कैप्चर किया अपने ड्रोन में। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे आपको एक फ़ोटो पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे ऑफिशियली फ़ोटो पॉइंट है, वहाँ पे 10 रुपीज़ लेते हैं और आप फ़ोटो ले सकते हो। और वहाँ पे सब जगह आपको टी प्लांट, पूरे चारों तरफ टी प्लांट दिखेगा, तो बेस्ट लोकेशन है वो भी फ़ोटो लेने के लिए, तो वहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो। उसके बाद आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको एक वाटरफॉल दिखेगा जो कि रास्ते के बगल में रहेगा, जिसका नाम है पावर हाउस वाटरफॉल। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा अनायरकल डैम, अनियारकल डैम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोनाउंस करने को नहीं हो रहा है मुझे। तो वो प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, और वहाँ पर जैसे कि डैम है तो वहाँ पर भी एक्टिविटी होती है। तो ठेकड़ी साइड की 4 प्लेसेस हो गई। उसके बाद हम वापस आएंगे मुन्नार, मुन्नार से गए थे ठेकड़ी, 4 प्लेसेस विजिट की हमने, वापस आएंगे मुन्नार। अब हम जाएंगे कोचिन साइड, कोचिन साइड जाओगे तो आपको 2 प्लेसेस विजिट करनी है जो कि बहुत फेमस है यहाँ की, वो है ब्लॉसम हाइडर पार्क, यानी कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है, गार्डन है, इसका चार्जेस है 50 रुपीज़। तो वहाँ पर आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे एनिमल के सब स्टैचू बनाए गए वो आप देख सकते हो, और उसी गार्डन में चॉकलेट फैक्ट्री भी है तो आप चॉकलेट भी ले सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जो कि है अट्टूकड वाटरफॉल। तो एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, यहाँ पर आप जा सकते हो, तो यहाँ पर कुछ एंट्री फी, कुछ चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। आप जब जाते रहोगे ना वहाँ पर तो आपको एक टाइम पे उसका व्यू पॉइंट दिखेगा, यानी कि एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको अट्टूकड़ वाटरफॉल दिखेगा। शाम को जाएंगे यहाँ के सनसेट पॉइंट पे जो कि है फोटा मोडी व्यू पॉइंट, बेसिकली ये सनसेट पॉइंट है। अब बात करते हैं Day 3 की। Day 3 आपका बहुत ही हटके होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि Day 3 को हम लोग उठने वाले हैं सुबह 3:30 बजे। क्यों? क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं सनसेट पॉइंट देखने के लिए। कहाँ पर? कोलुकोमलाई में, जो कि मुन्नार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा 3:30 बजे, और आपको अपनी गाड़ी लेकर खुद ड्राइव करके जाना पड़ेगा वहाँ पर, या फिर आप गाड़ी हायर भी कर सकते हो, वहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको लगभग 1.5 घंटे लगेंगे, और वहाँ पर ना बेसिकली फॉरेस्ट वालों का जीप रहता है, यानी कि आपको ऊपर तक जाने के लिए आपको जीप लेना पड़ेगा जो कि फॉरेस्ट वालों का रहता है, और जीप का चार्जेस रहता है 2000 रुपया, और आप 4% रह सकते हो। अगर आप 3 या 4 लोग हो तो 4 लोग हो तो आपका पर पर्सन 500 रुपया जाएगा। तो आप सुबह उठिए, जाइए वहाँ पर, वहाँ पर सुबह जो क्लाउड गार्डन होता है ना बहुत ही सही लगता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर जाइए, इस जगह को आपको मिस नहीं करना है, बेस्ट सनसेट पॉइंट है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है कोलुकोमलाई, एकदम आपको हेवन जैसा फील होगा, पूरे बादल, आज मैं ऊपर आसमान, आज मैं ऊपर बादल नीचे, आज मैं बादलों के ऊपर, ऐसा आपको फील होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप मुन्नार में आते हो तो। चुके रहोगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो मैं आपको 3 प्लेसेस और सजेस्ट करूँगा जो होगी अपनी कोयम्बटूर साइड की। सबसे पहली प्लेस है वो है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क जाइए, वहाँ पर टिकट का प्राइस आई थिंक 200 रुपया है, वो लीजिए और घूमिए। वहाँ पर आपको जो नीलगिरी माउंटेन रेंज है ना, जो बेसिकली जो मुन्नार में है,
वहाँ पे आपको जानवर दिखेगा, नीलगिरी जानवर दिखेगा आपको, तो आप देख सकते हो। बच्चों के साथ होगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा नेशनल पार्क घूमने में। अगर आप फैमिली के साथ हो तो यहाँ पर आप जरूर जाइए। उसके बाद आप आगे बढ़िए, वहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जो कि है अनामडी व्यू पॉइंट। बेसिकली मुन्नार में जो सबसे बड़ा वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाइएस्ट माउंटेन, हाइएस्ट पीक है ना, वो है अनामुडी। वो उस पहाड़ का व्यू हमको दिखता है उस पॉइंट से। उसके बाद आप आगे जाइए, वहाँ पे आपको एक वाटरफॉल मिलेगा जो कि है लक्कम वाटरफॉल। अगर आपके पास टाइम है तो आप लक्कम वाटरफॉल के भी आगे जा सकते हो, वहाँ पर भी एक वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है करीमुट्टी वाटरफॉल करके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी बात करते हैं बजट की, आपका 3 दिन का कितना बजट होगा मुन्नार। मैं जो बजट बता रहा हूँ पर पर्सन अप्रॉक्स बजट बता रहा हूँ, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल की। तो होटल मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पर आपको 500, 600, 700 या 800 में मिल जाएंगे, तो मैं 800 रुपया होटल का कंसिडर करके चलता हूँ, ना महंगा ना सस्ता, 800 रुपया एवरेज है प्राइस। तो 3 दिन का आपका होता है 2400, यानी कि पर पर्सन जाएगा आपका 1200 होटल का जाएगा। अभी बात करते हैं फूड की। तो फूड का आपको यहाँ पर ना पर पर्सन 500-600 जाएगा, मैं 500 कंसिडर करके चलता हूँ, तो 3 दिन का 1500, 1200 प्लस 1200 होटल का, 1500 फूड का, कितना होगा 2700। अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। अब ट्रांसपोर्ट का डिपेंड करता है कि आप कैसे घूम रहे हो, स्कूटी से घूम रहे हो कि कार से घूम रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो मैं पहले आपको बजट बताता हूँ स्कूटी के हिसाब से बताता हूँ। स्कूटी आपको 3 दिन के लिए हायर करनी पड़ेगी जिसका प्राइस होगा 1500, और आपका 3 दिन का पेट्रोल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1000 रुपये में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बट तो भी मैं 900 पकड़ के चल रहा हूँ, तो 1500 900, तो कितना हो गया हमारा, हो गया 2400 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1200। और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप वहाँ पर जाते हो सनसेट पॉइंट देखने के लिए कुल्लू का मलाई, तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है पर पर्सन 500, यानी कि आपका 3 दिन का बजट बनता है लगभग 4500 आपका बजट बनेगा। तो अभी मैं आपको बजट बताता हूँ अगर आप कार से घूमते हो तो 3 दिन का आपका कार का घूमने का, तो मैंने आपको बताया था कि पर डे 2000 के आसपास होएगा, तो 6000 रुपया। तो अगर आप 2 लोग हो तो आपका 3000 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका बजट 3000 बढ़ जाएगा, यानी कि जो स्कूटी का बजट था आपका 1200, यहाँ पर 3000 होगा, यानी कि 4500 से आपका 6500 के आसपास जा सकता है। अगर आप 2 लोग हो और बाइक कार घूम रहे हो तो बजट होगा आपका 6500 के आसपास। अगर आप 4 लोग हो तो आपका बजट होगा 5500 के आसपास। अगर आप कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करते हो या बोटिंग करते हो या कुछ खरीदते हो तो आपको अपने बजट में ऐड करना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको खाने के लिए हर एक चीज़ मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी मिलेगा, साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा, आपको यहाँ पर वेज नॉन वेज भी मिलेगा, और आपको यहाँ पर फिश थाली भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी खाना है वो सब यहाँ पर खा सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि आपको ये ना मिले वो ना मिले। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, सब थाली जो रहता है ना वो सब खाने को आपको मिल जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ की फिश थाली ज़रूर ट्राई करना। अभी बात करते हैं मुन्नार विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। तो मुन्नार आप पूरे साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर ठंडी के टाइम टेम्परेचर होता है 15-16 डिग्री के आसपास जाता है कम से कम, और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 या 28 डिग्री के आसपास जाता है। तो यहाँ पर आपको गर्मी कभी नहीं लगेगी। अगर आपको गर्मियों से राहत चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम जो हो सकता है वो है विंटर और समर, यानी कि अक्टूबर टू मई तक आप यहाँ पर आ सकते हो। बारिश में भी आ सकते हो, बट बारिश में यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो शायद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपको बारिश पसंद है, बारिश में घूमना पसंद है, तो आप बारिश में भी आ सकते हो, वरना विंटर और समर में आप यहाँ पर आ जाइए। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा कम्प्लीट मुन्नार के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट आता है अभी भी तो कमेंट कीजिए। अगर आप नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपको एक नए प्लेस के साथ, एक नए टूर प्लान के साथ, एक नई एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।